हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एडुटेनमेंट ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट्स, इन माय प्रीवियस वीडियो यू वेल अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी इन लद्दाख। जैसा हमने देखा, लद्दाख में डिफरेंट डाइवर्सिटी, डाइवर्स कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। उनके रहने का तरीका, उनके खाने का तरीका, सब चीज़ें क्या है, डिफरेंट है। Let's get start in this video lecture. We will understand the diversity in Kerala. अब हम देखेंगे कि केरला की डाइवर्सिटी, यहाँ का कल्चर कैसा है, लोग क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं और यहाँ की फेमस चीजें क्या हैं। A state in the southwest corner of India. केरला कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया के southwest corner में। It is surrounded by the sea on one side एंड हिल्स ऑन द अदर साइड। अब साउथ वेस्ट कॉर्नर में देखा हमने केरला सिचुएटेड है। अब इसके वन साइड, एक साइड पर है ना सी है, सी यानी समुद्र, जहां बहुत सारा पानी होता है, और दूसरी साइड पे क्या है, हिल्स, मतलब बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़ है, और इन दोनों के बीच में क्या है, केरला सिचुएटेड है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डिमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। यहाँ पर कल्टिवेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे वन साइडेड एरिया किससे घिरा हुआ है, सी, समुद्र, और यहाँ पर रिवर्स भी है, ठीक है, रिवर्स है, जिसके कारण यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है। अब फर्टाइल मतलब उपजाऊ भूमि, और उपजाऊ भूमि पे तो हम कल्टीवेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन कल्टीवेशन किसका होता है, पेपर मतलब मिर्च, क्लोव्स मतलब लौंग, एंड कार्डेमंस, कार्डेमंस मतलब इलायची। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको लद्दाख से कंपेयर करें तो वहाँ बारिश नहीं होती थी, तो है ना, वहाँ की लैंड क्या थी, बंजर लैंड, बैरन हो गई थी, तो बंजर जमीन पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। यहाँ एग्रीकल्चर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ रेन भी होती है, और यहाँ पे एरिया जो है वो सराउंडेड बाय सी है, और बहुत सारी रिवर्स भी है। ज्वेश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। ये दोनों टाइप के ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पे सबसे पहले आए थे। अब ज्वेश ट्रेडर्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं, इसराइल में रहते हैं। अब उनसे इफेक्ट होकर अरब ट्रेडर्स भी यहाँ आने लगे। अब जैसा हमने देखा था लद्दाख में माउंटेन्स के बीच में से ट्रेडर्स आते थे, वैसे ही अरब पीपल शिप के थ्रू मिडिल ईस्ट, साउथ अरेबिया से केरला आते हैं। ये दोनों ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे। सेंट थॉमस द एपिस्टोल ऑफ क्रिस्ट इज बिंग क्रेडिटेड ब्रिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया 2000 ईयर्स अगो। डियर स्टूडेंट, सेंट थॉमस जो हैं वो जीजस क्रिस्ट के स्टूडेंट थे, एंड यू नो सेंट थॉमस ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो जीजस क्रिस्ट के मैसेज को पूरे वर्ल्ड में बताएंगे। तो 2000 ईयर्स पहले उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंडिया में केरला के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया था। एंड आपको पता है केरला में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, इट मीन्स क्रिश्चियंस लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। इबन बतूता हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो रॉट अ ट्रेवलॉग इन विच ही डिस्क्राइब्स द लाइव ऑफ मुस्लिम हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी इन केरला। इबन बतूता जो थे वो ट्रेवलर थे, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं। 700 साल पहले ये ट्रेवल करते थे। इन्होंने ट्रेवलॉग, इट मीन्स ट्रेवल अकाउंट में लिखा था कि केरला में मुस्लिम लोग कैसे रहते हैं, और केरला में मुस्लिम लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। इट मीन्स केरला में सबसे रिस्पेक्टेड जो कम्युनिटी है वो कौन सी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है। अब हमने बच्चों क्या देखा, इन केरला, केरला में ज्वेश, अरब, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, और डिफरेंट रिलीजन को वो लोग फॉलो भी करते हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस सच एस जुडाइस इस्लाम क्रिश्चियनिटी हिंदू बुद्धिज्म। यहाँ पे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, जैसा आपने देखा केरला में ज्वेश, अरब, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम, ऑल रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना, और अलग अलग रिलीजन्स को वो लोग फॉलो भी करते हैं, लाइक जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू एंड बुद्धिज्म। देखा जाए तो यहाँ पर सभी रिलीजन के लोग रहते हैं।
फिशिंग एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन. यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग. क्यों है? क्योंकि कोस्टल एरिया है, समुद्री एरिया है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर. और वाटर में तो हमें क्या मिलेगी? फिश, मछली. तो यहाँ पर बहुत सारी फिश होती है, तो ये लोग क्या करते हैं? मछली पकड़ने का काम करते हैं और एग्रीकल्चर भी करते हैं. एग्रीकल्चर इस भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है. कल्टीवेशन, जैसे हमने देखा था, पीपर, क्लोव्स, कार्डेमन एंड सम अदर स्पीसीज ग्रोन हियर. क्योंकि हिली एरिया है, तो यहाँ पे एक साइड सराउंडेड बाय वाटर भी, और वाटर वाली एरिया जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? फर्टाइल होती है, मतलब उपजाऊ भूमि होती है, और उपजाऊ भूमि पर कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है. चाइनीज फिशिंग नेट्स आर यूज्ड फॉर फिशिंग. अब यहाँ पे जैसे फिशिंग यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है ना, तो मेन ऑक्यूपेशन के लिए इनको मछली पकड़ने के लिए नेट तो चाहिए होगी, तो इन्होंने जो नेट बनाई उसका नाम क्या रखा? चाइनीज फिशिंग नेट, यूज फॉर फिशिंग, जो मछली पकड़ने के लिए काम आती है. द चाइनीज फिशिंग नेट्स आर कॉल्ड चीना वाला. जो फिशिंग पकड़ने के लिए नेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चाइनीज फिशिंग नेट. और इसे क्या कहा जाता है? चीना वाला. द वर्ड चीना डिराइव फ्रॉम चाइना. जो चीना वर्ड है वो कहाँ से बना है? चाइना से. सिमिलरली यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर फ्राइंग फिश इज कॉल्ड चीना चाटी. डियर स्टूडेंट, जो मछली पकाने के लिए है ना, फ्राई करने के लिए जो बर्तन, यूटेंसिल्स यानी बर्तन काम आते हैं, उन बर्तनों को क्या कहा जाता है? चीना चाटी. अब हम देखें जो वर्ड चीना चाटी, इसमें भी जो चीना वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? चाइना से. कहाँ से डिराइव हुआ है? चाइना से. मेजोरिटी ऑफ द पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स. यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या खाते हैं? मछली, चावल और सब्जियां. द बोट रेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल इन केरला. केरला का सबसे मेन फेस्टिवल क्या है? ओनम. जब ओनम फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे बोट रेस होती है ना. बोट रेस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, 100 मीटर, 200 मीटर एंड 300 मीटर. Dear students, hope you well understand diversity in Kerala. In my next video lecture, we will understand the comparison of diversity of Ladakh and Kerala. Thanks for watching.